खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडी चीजें पीने का दिल करता है, खाना खजाना में आज कुछ पीना, और पीने में भी अलग अलग किस्म की चीजें। हमने बहुत सारी मॉकटेल्स बताई हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिसमें कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ जूसेस हैं, कुछ लस्सी है, कुछ पन्ना है, कुछ ऐसी चीजें हैं शायद आपने पहले ना पी हो। शुरू करते हैं एक टमाटर के रस से बनी हुई चीज, टमाटो जूस से। क्या है नाम बाद में बताऊंगा, शुरुआत करते हैं। पीने वाली चीज है, बढ़िया है, ठंडी है, मजा जरूर आएगा। ये जो डिश है पीने वाली है, आप देखते हैं जब भी हम कोई चीज पीते हैं तो उसमें बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद पीने के लिए ना आती हों। जैसे मॉकटेल्स बनाते हैं तो उसमें रस डालते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम भी डालते हैं, बर्फ डालते हैं, चीनी डालते हैं, शहद डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं। लेकिन आज जो चीज है उसमें मैं सबसे पहले डाल रहा हूं प्याज। घबराइए नहीं, टेस्ट अच्छा आएगा। ये जो पीने वाली चीज बनेगी उसमें ये थोड़ा सा प्याज टेस्ट देगा ही। इसमें टमाटर का जूस, इसके साथ इसमें डालें संतरे का रस और अब इसे हम कुछ मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो प्याज है, आप ग्रेटेड प्याज भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से पीस भी सकते हैं। इसमें चेक कर लें, जो प्याज है उसके दाने नहीं बचने चाहिए। अगर थोड़े से दाने हैं तो एक बार थोड़ा सा और मिक्सर चला लें ताकि इसके अंदर दाने बिल्कुल ना रहें। अब ये जो ड्रिंक है काफी ठंडी होती है और थोड़ी स्पाइसी होती है। कुछ सॉसेस इसमें डालते हैं हम। पहले डालेंगे वूस्टरशायर सॉस, ये आसानी से मिल जाती है, और इसके साथ इसमें एक स्पाइसी सॉस डालेंगे और वो है टबैस्को। ये जो टबैस्को सॉस है इसमें चिली का टेस्ट रहता है, यानी मिर्चों का टेस्ट रहता है, और उसके साथ विनेगर का, सिरके का टेस्ट। इन दोनों चीजों से बनती है टबैस्को, ये इसके अंदर हमने डालनी है। और इसके साथ इसमें आप डालें नमक। वैसे इस ड्रिंक के अंदर हमने नमक डाला है, ट्रेडिशनली इसके अंदर सेलरी सॉल्ट डलता है। हमारे पास सेलरी तो है, सेलरी सॉल्ट नहीं है, लेकिन कुछ सेलरी का फ्लेवर दे सकते हैं। किस तरह से देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये सेलरी हमने ली है, इसको काट के रखा है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी तो डालेंगे कुछ आइस क्यूब इसके अंदर एकदम ठंडा करने के लिए इसे, और इसके साथ इसमें डालें थोड़ा सा नींबू का रस। इसे बंद कर दें और अच्छी तरह से क्रश कर लें। इसमें जो आइस है अच्छी तरह से क्रश हो जानी चाहिए, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। तब तक इसके लिए जो ग्लास है उसे हम तैयार कर लेते हैं। ग्लास को तैयार करने के लिए आप एक अच्छा टॉल ग्लास ले लें, और ये जो सैलरी हमने ली है उससे ये जो ग्लास का रिम है इस तरह से, ये जो सैलरी का रस है वो इसमें आ रहा है, ये देखिए, अच्छी तरह से रब करना है इसमें हमने। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है सैलरी का। और एक प्लेट में आप नमक ले लें और ग्लास को इस तरह से इसमें रोल करें, ये देखिए, ये ग्लास तैयार हमने कर लिया है। और ये जो ड्रिंक है इसे भी तैयार कर लेते हैं हम। अब सारी चीजें इसमें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं, और जब आपने इसे सर्व करना हो फाइनल शेक करके आप इसको ग्लास में सर्व करें। देख के ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर प्याज डला है, बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है, और इसको आप इसी तरह से ठंडा ठंडा एकदम चिल सर्व करें। मार्गरिटा से मिलती जुलती है, लेकिन इसका नाम मार्गरिटा नहीं है, लेकिन ऐसी चीज जिसका नाम सैंग्रीटा है काफी मिलती जुलती है। नाम आप कुछ भी दें, इसमें टमाटर है, संतरा है, प्याज है, नींबू है, वूस्टरशायर सॉस है, टबैस्को है, आइस है, सेलरी का टेस्ट है, मजा आएगा। बना के देखिए, पीजिए, पिला के देखिए।
इसके लिए हमें चाहिए 100 मिलीलीटर टमाटर का रस, 100 मिलीलीटर संतरे का रस, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच टबेस्को सॉस, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी प्याज, आधा छोटा चम्मच वूस्टरशायर सॉस और सेलरी। इसके लिए आप मिक्सी में बारीक कटी प्याज, टमाटर का रस और संतरे के रस को मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें वूस्टरशायर सॉस, टबेस्को सॉस, नमक, आइस क्यूब और नींबू का रस डालकर मिलाएं और एक गिलास के रिम के ऊपर सेलरी का रस लगाएं और इसके ऊपर नमक लगाएं और इस गिलास के अंदर जूस को डालकर सर्व करें।